का हो भैया, लगा हो कि सूद साथ का आवित है जी। अरे यार, दिन रात तो परेशान कर ले रहे हो। मतलब तू जहिना से ही मुहिम चलावी थे, मतलब चैन भी रहा है हो देह में? रहना है, देखा चैन है। हाँ, चैन ना रे बुढ़बाग, नींद उंद हम समझे कि सुख चैन, सुख चैन हमने के खत्म हो गया है। मतलब ले दे के समाज के लिए। हाँ, है ना, ओकरा लग गलियो दिन रात सुना सुने थी आए, मेहनत तो करा। तो पहले हम कहबी कि जितना दर्शक अभी नींद हरम देखा मुंह भकवाई लगी थो, सबके प्रणाम नमस्कार, सबके प्रणाम। और जिस तरह बनल है मुहिम में, उम्मीद करबे कि आगे भी बनल रहा है और बहुत बढ़िया सुधार हुई थी। उकर साथ साथ हमने आज अश्लीलता के हट के बात करे ले ही है, ना अश्लीलता के कोई कलाकार के बारे में बात करबे हमने, और ना कोई इंस्टा के नचनिया के बारे में बात करबे। बारे में हमने बात आज करे ले ही है कि आखिर समर हो का गेले है बिहार में, हो एकदम मतलब कौची के ऐसे नजर लग गए है। जितना कलाकार हथी, जितना नचनिया हथी, अपना आपके समझे का लग लती है। मतलब कोई भी कुछ आके केकरो बोल दे, केकरो कुछ बोल दे था, जेकर मन से औ कुछो वायरल कर दे था, मतलब कुछ भी क्या हो गया। मतलब ये जाना है कर, मतलब खराब जाना है। सिर्फ और सिर्फ समर ना एक साल में हो गई इंडस्ट्री, सिर्फ एक साल में। जब से तोरा सुशांत सिंह के मामला तोरा चल रहा बॉलीवुड वाला, बॉलीवुड में सुसाइड है ना उधर, तो उकर बाद इतना आपस में तन मन ई इतना डिस्टर्बेंस मतलब इंडस्ट्री हो गई ना कि जेकरा से आम जनता भी परेशान हो गई है। समझ नहीं, ये कलाकार जातिगत विभाजन बोलही कलाकार कर दिल थी, एगो बहुत बड़ा कार्य कर लाती है नी भैया। जातिवाद जो हवा ना विभाजन करके तोड़े वाला काम ना, मतलब बहुत बढ़िया से लोग किया है। दुनिया आज देखा, हम कहबी कि लास्ट तक वीडियो का जरूर देखिए ना, हम शेयर ना करे कही थी, वीडियो देखिए एक बार जरूर, जो हमने बहुत मतलब ना गहरा बात रखे ले ही हो। तो का है कि समर देखी जातिगत विभाजन तो करिए दिल थी तो फिक्स है, कर चुकला कारण हवा हमने के गरिया मिला हवा। हाँ, अब हमने देखला कि हर कलाकार किकरा छोड़ी थी, जेकारो के नाम बतावा किकरा छोड़ दे ही है। हाँ, पहले भी कहले कोई हमने स्क्रिप्ट लिख के सामने स्क्रीन पे ना आई है कि एकदम ओकरा में डायलॉग मारे ले तो ओकरा में डायलॉग मार ले, मन में एलवा एकदम साफ वही बोलो अपना स्टाइल में, और जिस सच हो वो रखा है स्क्रीन पे, है ना, एकदम बेफिकर होके। तो अच्छा, एक समर अभी दो दिन पहले एक गोलू राजा हलई नाम के गायक एपिसोड भी हमने ले लिए। बताओ कि एक माता के कितना लाखों के भीड़ में, और मूर्ख एकदम समझी कि इतना गिरी मानसिकता से लाखों पब्लिक के बीच में अपमानित कर लिया औरत के को। बताओ, अपमानित कर लाए इसे कर लाए। ओकर बाद साफ कह लिया एक चीज कि एले इसको रिकॉर्ड कर ले और अपलोड कर। हाँ हाँ, मतलब दबंगाई कह दा एकरा, दबंगाई ना कह ना, ना सोच ले भैया, वो ना सोच ला, थोड़ा सा भी होकर दिल में जहन में ना आए कि वो माए के कितना तकलीफ होली होत भैया। जे माए जानी थे कि हमारे बेटा 4 महीना 6 महीना 1 साल के मेहमान है, और ऊपर से इतना गंदा गंदा लोग टिप्पणी कर रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात है ना समर, कि अगर वो मूर्ख के जानकारी रहती ना कि 9 महीना कोख में पालने के बाद भी बच्चा के लालन पालन, ये लगभग 9 महीना पेट में और 10 महीना इधर, लगभग मतलब 1.5 साल है ना, 1.5 साल से 1-2 महीना ज्यादा मानी के हो गई, कितना मुश्किल से माँ गुजरी थी। वो मूर्ख की अगर भली भांति सही में संस्कारी रहती है, माँ बाप सिखाती कि बेटा बच्चा के लालन पालन पहले 9 महीना कोख में रहा है, उसके बाद बाहर आवा है, उकरों से ज्यादा तकलीफ लालन पालन लैट्रिन पेशाब में हुआ है, तो शायद इस प्रकार की अगर मानसिकता न रहती है ना। बतावा भी एगो बाप एगो माए अपन बेटा लग कौची नहीं कर सका है। बतावा तो एगो कुत्ता के अगर बच्चा के हमने एगो ढेला मार दही है तो कुत्ता काटे ला दौड़ जा है, और एहनी अगर मदद मांगे गुहार करी थे सोशल मीडिया औकात से ज्यादा खर्च कर लेती, बैंगलोर तक डॉक्टर के पास फ्री ना गेल थी। बिल्कुल, अब पता चले कि अब हम सक्षम ना हो पाए, हाई ना है, मीडियम क्लास के परिवार ले सक्षम वाली बात हो भी ना करा है, कहाँ से 16 करोड़ रुपया यहाँ हुआ है भैया। अब चल मैटर अयांस के अब हो गए, एक चीज आओ तू देखी तो भी अभी कि लगातार हमने जब से मुहिम छिड़ले ही है एकदम मतलब कलाकार छा गए है, गुंडागर्दी देखी है ना, जे कलाकार के मन लो एकदम मोबाइल सामने रख लावा, फाड़ देंगे, चीर देंगे, लाइव आके एकदम भाषण बतावा। तो हमने तो कहल चाहबे ना समर कि
एहनी के जो मानसिकता है ना वो हमनी से अब कोई छुपल ना रहली है एकदम हमनी से का पूरा बिहार यूपी झारखंड के जनता का है का लोग हथी वो हमनी से कुछ थोड़े छुपल है एकदम ना पहले हलै छुपल हाँ। अब छुपल ना है तो हम तो कहबे कि भाई स्क्रीन पे आके देख टेलीफोन टेलीफोन के नंबर एकदम लाइव तरीके से दे लो आवाज हम चाहबे कि फिर से दे दिए समझ ले हैं तो हमार नंबर हो फिर से तोहनी जकरा जानकारी ना हो लगा हो कहीं छुपके हमने बनावा ही कोना में बैठ के तो लिख ला नंबर लेकिन ओकरा पहले से एगो छोटा सा क्राइटेरिया तोरा पूरा करे पड़तो बिल्कुल जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी हमरा तक भेजे पड़तो तबे हमने भाई हाय हेलो कर रही है नंबर हो हमार 8448082131 हमार नंबर हवा 7722910621 फिर से अगर नए तरीके से जुड़ लेती हो तो उनका बता दे भाई हमारा नाम गौतम और भाई के नाम समर समझ ला तो ये गुंडागर्दी तो देखबे कर लही समर हालांकि हमने कह ली कि बाल ना बाका करा से होए वाला हो है ना बहुत अरे भैया मैंने हमने को एक बहुत बड़ा अपराध मर्डर करी थी जी ना लोग करा है कि जैसे बहुत और एक बताओ जातिगत मानसिकता लाके साला कितना गंदा तरीके का लोग होता है हो टैग करके कि गोलू भैया गोलू मौसा के नहीं बोल रहा है तुम लोग जातिवाद कर रहा है आज मतलब आओगे तो फाड़ देंगे हम तो कहते हैं कि जाना है आज हम एक और चीज देख लियो है फेसबुक पर कि जैसे गोलू राजा लाइव आयल है लेकर ठीक ना परसों स्टेजवा पर जे अपमानित करके आयांस के वो करवे कर लाए कल लाइव आयल है अब ओकरा में वो कहित ना है कि क्षमा कर दीजिए हमको भैया केकरो मान सम्मान से खेल के मर्डर करके लाखों के अगर सॉरी बोल देवा तो सॉरी कौन काम के और बल्ले चढ़वा के है ना कि रिकॉर्ड कर ले चढ़ा रिकॉर्ड कर ले और साथ में इतना ही पड़ता है साथ में मतलब देवी रूपी स्त्री भी हलती साथ में स्टेज पे है ना उकर बात के नहकार के अपना के सर्वश्रेष्ठ बताना घोषित कर लेते हैं से बड़ा कोई मूर्ख शायद ना हो इस समर समझ ले और एक बात जाना ही कहा है अभी देखी कल है से लगभग ना कल परसों से एक वीडियो वायरल होली है जे अभी भोजपुरी के ऐश्वर्या राय कहल जाए थले हाँ। लगभग कोई कलाकार गायक ना बचला थी जे ओकरा जोरे वीडियो ना बनल बहरिया ना गेल थी राजा वीडियो ना बनल थी मतलब की इन द सेंस है ना वही समझला है तो कहानी हो कि देखा हमने तो एपिसोड कह लियो ना कि जे लगा हो कि मार दे भाई और फाड़ दे ना तो मर्द के बच्चा फिर कही थी स्क्रीन पे बिना गाली और बिना रिस्पेक्टिवली तरीके से कि मर्द के बच्चा सच में मैया दूध पियाया होगा ना तो बता के समय से और कभी सामने से आ जाना है ना तरीके से हम भी तैयारी से आएंगे और तुम भी आ जाना लेकिन ये मुहिम बंद ना होता हो गया है ना तो एगो वायरल हो जेकर नाम है त्रिशा कर मधु है ना त्रिशा कर मधु है उनकर मतलब ऐसन हाल में वीडियो वायरल होली है कि हम तो कहबे कि शायद दुए गो अब तक लोग नाम जाना हले जैसे हाँ, तो लोग खलीफा और एगो लियोनी, लियोनी है ना लेकिन तीसरा भोजपुरी इंडस्ट्री के मधु जी आ गेल थी हालांकि इंटरनली इनकर चली थली कहानियां है ना बहुत सारी बातें हैं अभी जैसे इनकर वीडियो वायरल हो गई भैया करे से पहले जो रिकॉर्डिंग भी देख ला हो तो मोबाइल के मैडम सब रिकॉर्डिंग करी थी अब अभी जब वीडियो वायरल हो गए ना जैसे तैसे मोबाइल है मशीने ना है जी हो गया अब इनका टिप्पणी देखा एक तो वीडियो वायरल हो गया इतना गंदा अब ओकर बाद ही कहे थे कि आत्महत्या कर लेंगे अरे कर ले इसे जी के तू करोगे क्या करोगे का? कर लो ये बिहार वजह से लाखों बेटियां खराब होगी हम फिर से कही थी कि जेकरा मैया के जेकरा बहनी के ये ठुमका लगा के अगर विचार हो ना कि हमारा हीरोइनी बने ला है तो ओकरा ला देखा बेड शेयर करे पर है एकदम ये वाला उदाहरण देख ला तो हाँ देख लिया कड़वा लग तो कौनो मैंने हमने वीडियो क्रिएट करके ना ले ली है हाँ। हो ये देख ला ये कहानी रहन है कि कपड़ा तो उतारे पड़ते कहे कि जाना है इंडस्ट्री भोजपुरी न समर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी यही कहानी है पूरा कहानी है प्रमोशन कैसी चीज हुआ है कि प्रमोशन तो बढ़िया काम करबे तो तोरा प्रमोशन होता हो हाँ। वही है कि तोरा फिल्म या एल्बम तबे मिलता हो जब तू डायरेक्टर और मैनेजर और तू हीरो के साथ में बेड पे जाइबी तो अगर चाहा कि बहन तोर है ना शादी से पहले दूसरा के साथ कपड़ा उतार तो
भेज द स्वागत हो, हम तो मना करे ले हो दोनों भाई। अब जाना हो भैया, खास करके कलाकारवन बाहरे से काहे लावा थे। हाँ देख, एक बात बहुत बढ़िया तू बतैले समर, एक चीज आओ तोहनी विचार करिए कभी, एकदम मंथन से सोच रहा जितना शांति से और एकदम विचार करके हमने अले नहीं हो, कहे कि हम एकदम अशांत हलियो, अभी तक सोचा शाम में सुतल लेता है, सोचा कितना शांत होती है, खाली मन शैतान वाला हो गया। हाँ एकदम खाली हलियो बैठल। तो कहली भाई कि बाहर से आखिर क्यों है भोजपुरी जी, है बिहार की इंडस्ट्री जी, आई सीखवा बॉलीवुड से काहे न लेवा है। हाँ जेकर बेटा वही फिल्म बनावित है। हाँ जेकर कोचिया का नेपोटिज्म, हाँ जे नेपोटिज्म चला है तो उ चीज भोजपुरी सब चीज अपना माए हुआ के, सब चीज हुआ के, लेकिन ई चीज ना अपना ना अपना भी। अरे एक बात बताओ, काजल राघवानी है गुजरात के, एगो आऊ जैसे त्रिषा मधु के होली ना है, ओकरा से भी ज्यादा वो प्रियंका पांडित के भी वीडियो होली है वायरल। डेढ़ एक डेढ़ साल पहले के वीडियो है, अभी हालांकि की बाहर हो गई हुए कारण से, और ये भी अब बाहर रहता है, यही ना कि लोग अंदर लथी, तो वो भी हाली गुजराते के, ये हाली कलकत्ता के, तो ऐसन ऐसन लोग ऐसा मैंने का कमी है अपन बिहार में का कलाकार न हती। अरे बहुत कलाकार हती, ऐसन ऐसन भर भर के पड़ल हती भैया, टैलेंट भटकी थी रोड पर। टैलेंट हाँ बिहार में जो टैलेंट है वो कहीं है का, जे कर सकते बिहार के लड़की चाहे लड़का हीरो हीरोइन, ये चीजवा जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ ना है, कल के डेट में अक्षरा सिंह और पवन सिंह के साथ जो ही विवाद होला है, आज अक्षरा सिंह बॉलीवुड अथी भोजपुरी से एकदम हटा देवल गेल है, आज इंटरनेशनल लेवल पे गेल नहीं गेल ना जी, बिग बॉस में गेल है, बॉस बिग बॉस में गेल है। अब सुना ना हमर बतिया, सुना अक्षरा सिंह के हटा देवल गेल एकदम, वो बेचारी अपन लावा है, वो जे भी लावा है, हां सब कुछ गावे चाहे कुछो गावे, कलाकार के सारा लेबे ना करे है ना, बोली थी हां एक्टर सारा ना ले। अब ई जे मधु के आले है, अब देखा ई हटा हो कि ना, नीलकमल तो ना हटला इतना गंदा गाना गा के भी, हां हां तो देखे लई है इंडस्ट्री में पता ना का एहने के मतलब कूटनीति चला है हो, कि एकदम समाज के परे है एकदम है, तो ये सब चीज के थोड़ा दूर कर है, और अपन बिहार में बिहार यूपी वाला का ना कर सकली है जी, एक बिहारी सौ पे भारी काहेला कहल गली है, इतना टैलेंट हुआ है, क्वालिटी हुआ है बिहारी में, लेकिन जाना है तोहनी ने मूर्ख लोग बदनाम करके, जैसे आज देखा ना पूरा घिनौना कर ना दिलो जी, मतलब आज वीडियो अभी देखा सम्मा मेलो सात समंदर पार धकेल दिलो, मतलब बताओ है भोजपुरी के जे जेकरा जैसे एहनियो भी है जो बिहार के जनता यूपी झारखंड के जनता हथी, वो फेसबुक यूट्यूब पर हर तरह के वायरल वीडियो देखा हथी, देख लो बात से कुछ दिन पहले बाहुबली में जो गनवा आयल हलाय महादेव वाला, हाँ। एगो लइका गावे हाँ, लइका देखो वायरल होले वो अपन खास, लेकिन उतना दूर तक वायरल ना होलाय जितना ये सब वायरल हो जा थी, थोड़ा सा लिपसिंगवा करके, तो ये सब सोचे क्या लाइव मतलब गली है जी, हम तो कभी कोई सन मेन कलाकार ना गली है एकदम, ता जे गली है गनवा ओइसन जे गावल है मेन कलाकार ओइसन ना गली है, मतलब बढ़िया वो लड़का बिहार के अपन गलती है, खैर क्वालिटी तो खैर बड़ी है, ये सब दिखावे के है, लेकिन मूर्खता के कारण कभी नहीं गंदा चीज पर ज्यादा लोग फोकस कर रहा है, ध्यान दे है, लेकिन हमने के दिली विचार और इच्छा हो केकरो सच में ठेस ना पहुंचावे के हमने के रहे, कभी भी विचार में मानसिकता ना रहे, कहे कि हर बार हमने कहले ही है कि ना कोई जातीय दुश्मनी, ना कोई पारिवारिक विवाद, ना कोई जमीनी विवाद, कुछ नहीं किकरो से जुड़ल हो, लेकिन कोई दुश्मनी ना एक ब्लड हो हमने दोनों के, कि गलत के गलत तो भैया एकदम कहबो, चाहे ओकरा ला गोली कहना चल जाए, तो ये सब कहानी रहा है, तो थोड़ा विचार कराओ समझ कि आखिर तोर बाहर के कलाकार आके आज घिनौना कर दे लेने जी, बतावा तो अगर यही बिहार की बेटी रहती है तो प्राउडली, हालांकि इतना गंदा इतना भी बिहार अभी भोजपुरी के अथी सब गाना उना से अश्लील हो गए है, संस्कार लेकिन इतना भी नीचे ना गिर गए है, आज भी बिहार संस्कार संस्कृति में आज भी बहुत आगे है, शर्म लाज हया ये जो कोरोना में गमछिया और हाथवा मिला वाला चले थे, पूरा इंडिया के चीज थोड़ी ना हला है, निकलल तो गमछिया बिहारे से ना हले जी, तो जब मस्कवा के जगह पर यूज करी थलती शुरुआत में समझला है, ये सब चीज है, और थोड़ा सा विचार कर बिहार के नाम बदनाम ना कर तोहनी, हर कलाकार से भी हमने विनती कर रही है और हर जनता जनार्दन से भी बोला ही है कि जैसे गाली तो हमने के दे है, माए बहन के गाली देते है, तेरे मूर्ख कभी भी सोची हैं अकेले बैठ के, जाना ही बाबू का सोची हैं कि अगर 3 महीना में गाली से नहीं ना रुकला थी तो अब का रुकता थी, अब का रुकता थी,
सही बात का रुकता थी 3 महीना कंटिन्यू गाली खाई थी ओकरा से कोई असर ना पड़ली तार तोनी कंटिन्यू करे में तो का असर पड़ते रे बिल्कुल और बाकी तोहर माय हमर माय हमर माय तोहर माय तोर बहिन हमर बहिन हमर बहिन तोर बहिन ये सोच के लड़ाई लड़ी थी हो यही सोच के आज लड़ाई लड़ी थी आई वही ना अगर हम तोर बहिन के माता के अस्मिता के साथ ना खड़ा रहते हलिए उनका मतलब सम्मान के साथ ना खड़ा रहते हलिए का मतलब हलिए तोर बहिन रोड पे चले और मतलब हले हमार सुरक्षित है ये हम अपन गारंटी ले है ना तो खैर देखा सबके लड़ी थी विचार करिया है और सोचिया है एक बार जरूर कि हमने दोनों भाई आज करी थी का गलत करी और केकरा लग करी कमेंट करी है ना कमेंट जरूर करिए हर तरह के कमेंट के ना हमने विचार करे सुझाव भी दिया है कि भाई का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए हाँ लेकिन जे जैसन पेश है हमने वैसन पेश है पहले हम बता दे रही है कि महात्मा गांधी हमने नहीं हो काहे कि वो अलती अलता का अलती कि एक थप्पड़ इधर कोई मार देते एक थप्पड़ इधर भी दूसरों छान के ले ओकर बाद चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस अलती समझला है भगत सिंह अलती अगर एक थप्पड़ दोगे ना तो पटक के चढ़ जाएंगे समझे वो कहानी है बाकी हम आवित रह भाई और वीडियो आवित रहते हम कचाहबे कि हमने के विदा दहा जय मगा जय बिहार जय भोजपुरी।